नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि के लिए ऐसे कौन से करियर के क्षेत्र है, ऐसे कौन से करियर के ऑप्शन है, अगर उस क्षेत्र में मकर राशि अपना करियर करती है तो अच्छी तरीके से सेटल हो सकती है। मकर राशि में ऐसे कौन से गुण है जो कि बाकी के जो क्षेत्र है उसके लिए लाभदायी हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मकर राशि के बारे में अगर देखा जाए तो सभी जो राशियां हैं, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी राशियां हैं, उस सभी राशियों में सबसे ज्यादा मैच्योर्ड और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली ये राशि है। मैच्योर्ड मतलब अपने से उम्र से जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो सोच है वो सोच ये राशि रखती है। कोई भी अगर काम करना है तो उस काम करने के पीछे क्या सोच है, किस तरह से वो काम करना चाहिए, वो काम हमें आएगा भी या नहीं, या फिर हमारी लिमिटेशन कितने हैं, वो काम किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में पूरी तरह से जो सोच रहती है वो सोच, अच्छी सोच जिसे हम बोलते हैं, वो सोच इस राशि में काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। उसी प्रकार हार्ड वर्किंग कैपेसिटी इस राशि में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब कोई भी काम बिना ज़्यादा उसके बारे में पूछताछ किए हुए या फिर बिना ज़्यादा सोचे हुए, बिना ज़्यादा समझे हुए, बिना ज़्यादा बोले हुए ये राशि कंटिन्यूटी में करने वाली काम, मतलब ये राशि है। मतलब हार्ड वर्क के बारे में कभी भी ये राशि आपको ये नहीं करेगी कहेगी कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। जो भी काम है वो शांत रूप से करने की कैपेसिटी इस राशि में देखी गई है। इस राशि की दूसरी जो बात है वो बात किसी भी तरफ से, मतलब हमने जैसे सिंह राशि में का देखा कि सिंह राशि की जो सोच होती है वो थिंक बिग वाली होती है। मतलब बहुत बड़ा काम करना, बहुत बड़ी इच्छाएं होती है, बहुत बड़ी विश होती है, इस राशि के बारे में वैसे नहीं देखा जाता। वो धीरे 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 आगे बढ़ने वाली राशि है। मतलब इनके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ऐसी सोच नहीं रहती, लेकिन जो भी काम हमारे सामने है वो धीरे धीरे पूरे करते हुए जाने की जो कौशल्य होता है या फिर जो काम जो गुण होता है वो गुण इस राशि में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। पेशेंस इस राशि में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। मतलब कोई भी अगर काम हो उसके रिजल्ट जल्दी न भी आए तो भी उसके संदर्भ में थोड़ी सी राह देखना या फिर पेशेंस इस राशि में काफ़ी अच्छा पाया जाता है। इसी वजह से यह राशि अपने जो जीवन में जल्दी सेटल नहीं होती, थोड़ी सी देरी से सेटल होती है, लेकिन जो भी सेटलमेंट इनमें आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और पूरी तरह से होती है। और कोई भी काम करना है उसमें जल्दबाजी ये राशि कभी भी पसंद नहीं करती। तो इस राशि के जो करियर ऑप्शन है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि वकील जो पेशा है, देखिए ये राशि शनि की राशि है तो जो भी मतलब बात है वो सीधे सीधे करने वाली राशि है। ट्रांसपेरेंसी इस राशि में काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। मतलब यदि कोई प्रॉब्लम, यदि कोई बात इस राशि में अगर कोई अवगुण हो या फिर इनसे अगर कोई मिस्टेक है तो ये राशि जल्दी से उसमें हाँ भरती है और उसमें उसको कुछ ये नहीं लगता कि मैंने मतलब इनसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके बारे में वो ये जो राशि रीजनिंग नहीं करेगी, मतलब कोई कारण नहीं देगी। वो जो अगर उनसे कोई मिस्टेक होती है वो मान्यता भी देती है। तो इसकी वजह से यह जो राशि है तो वकील जो पेशा होता है, बैरिस्टर है जो पेशा होता है या फिर जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में यह राशि पाई जाती है। उसी प्रकार इंजीनियर जो होते हैं इनमें भी इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र होता है, काफ़ी तरह के इंजीनियरिंग होते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र होते हैं उसमें यह राशि पाई जाती है। उसी प्रकार सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें भी ये राशि पाए जाते हैं। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स मतलब ये जो मतलब सर्विसेज है वो गवर्नमेंट से रिलेट करने वाली हैं तो उसमें भी ये राशि पाई जाती है। छोटे मोटे इंडस्ट्रीज के जो मालिक होते हैं इनमें भी ये राशि मैंने देखी है या फिर पाई जाती है। मतलब छोटे मोटे जो इंडस्ट्री होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि ये राशि कभी भी बड़ा नहीं सोचती, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली राशि है। तो शुरुआत तो ये बहुत छोटे पैमाने पर करती है, लेकिन जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, मतलब 40-45 के बाद इनका जो काम है वो बहुत बड़ा देखा जाता है और कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी इस राशि में काफ़ी अच्छी देखी जाती है, जिसकी वजह से एक ही काम पर कई सालों तक काम करने की कैपेसिटी क्षमता इस राशि में देखी गई है। उसी प्रकार हार्ड वर्किंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, इसीलिए जो मेहनत करने वाला जो मजदूर वर्ग है उसमें भी यह राशि पाई जाती है। जो किसान है, जो दलाल है उसमें भी, देखिए किसान का जो काम होता है उसमें भी हार्ड वर्क होता है, तो किसान है, दलाल है, जो ये राशि प्रैक्टिकल भी होती है। मतलब
पैसे के मामले में पैसे किस तरह से खर्चे करने हैं, कहां पर खर्चे करने हैं, कैसे खर्चे करने हैं, वैल्यू फॉर मनी जिसे कहा जाता है, वो बात इस राशि में काफी अच्छी तरीके से पाई जाती है। इसीलिए वजह से दलाली का जो काम है वो भी ये राशि अच्छी तरीके से कर सकती है। किराना माल जो होते हैं, मतलब हाउस होल्ड जो ग्रोसरीज वगैरह होते हैं, तो उसके व्यापार में, या फिर तेल का जो व्यापार है उसमें भी ये राशि अच्छी तरीके से पाई जाती है। खनिज जो क्षेत्र है वहां पर भी ये राशि काफी अच्छी तरीके से पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीबन हर काम में यह राशि पाई जाती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनमें भी यह राशि पाई जाती है। स्वतंत्र या फिर इंडिपेंडेंट जो व्यवसाय होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो बिजनेस इस राशि से काफी अच्छी तरीके से किए जाते हैं, तो उसमें भी ये राशि पाई जाती है। इस राशि में जो श्रवण नक्षत्र है, वो श्रवण नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो धार्मिक क्षेत्र में काम करने में ज्यादा पाए जाते हैं। उसी प्रकार पुरोहित वर्ग जो होता है वो भी इस राशि में पाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि यह राशि प्रैक्टिकल होती है, पैसे के हिसाब किताब बहुत अच्छे तरीके से रख सकती है। इसी वजह से बैंकिंग क्षेत्र या फिर अकाउंटेंट जो होते हैं उनमें भी ये राशि पाई जाती है। कोयला लोखंड के जो व्यापारी होते हैं, धातु के जो व्यापारी होते हैं, उसमें भी ये राशि काफी ज्यादा पाई जाती है। मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि यह राशि है, मतलब ये जो मकर राशि है काफी ज्यादा मैच्योर्ड होती है, हार्ड वर्किंग होती है, और उसी प्रकार इस राशि में पेशेंस बहुत अच्छी तरीके से होता है। प्रैक्टिकल नेचर इस राशि का काफी अच्छी तरीके से होता है, मतलब पैसे के जो भी व्यवहार है वो किस तरह से किए जाने चाहिए, किस प्रकार से किए जाने चाहिए, कहाँ पर किए जाने चाहिए, और सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए अपने करियर के बारे में, इसके बारे में इनकी सोच काफी अच्छी होती है। तो अगर ये गुण मैंने अभी जो भी आपको करियर ऑप्शन बताए इसके अलावा आपके मन में या फिर आपके दिमाग में और अगर कोई करियर ऑप्शन हो और वो करियर ऑप्शन जो भी इनके जो गुण है उससे रिलेट करने वाले हैं, तो वो करियर ऑप्शन आप जरूर ले सकते हो। हालांकि आपके राशि के लिए कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी राशि में पेशेंस बहुत अच्छा है, तो जो भी आप करियर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसमें कम से कम 2 से 3 साल अगर आप काम करते हो तो वो बिजनेस हो या फिर नौकरी, आप उसमें अच्छी तरह से सेटल हो सकते हो। इसके बावजूद अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी जरूरी होती है। आपके कुंडली में सूर्य कौन से राशि में है, कौन से स्थान पर है, आपका जो दशमेश है वो कौन से राशि में है, कौन से स्थान पर है, या फिर दशम स्थान पर कौन सी राशि है या फिर वहां पर कौन से ग्रह है। उसी प्रकार नवमांश कुंडली का जो दशम स्थान है उसका जो दशम स्थान का जो विचार है वो भी काफी ज्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद आपके जो करियर ऑप्शन है वो अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं या फिर उसके बारे में सलाह दी जा सकती है। तो दोस्तों ये था मकर राशि के लिए करियर ऑप्शन के बारे में चर्चा, मतलब वो कौन से प्रकार के करियर कर सकते हैं, कौन से प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।